हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप एक अकाउंटेंट हो और आप अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का यूज करते हो तो ये आज की वीडियो आपके लिए गुड न्यूज हो सकती है। गुड न्यूज इसलिए हो सकती है क्योंकि अब टैली कंपनी ने जो टैली प्राइम का नया रिलीज है 3.0.1 आज की यानी कि 21 जुलाई को लॉन्च कर दिया है। अब इसके अंदर क्या कुछ नया अपडेट दिए वो भी हम आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन अभी इससे पहले जो हम टैली प्राइम का 3.0 जो रिलीज यूज कर रहे थे अकाउंटेंट लोग, उनको जीएसटी की रिपोर्ट से रिलेटेड, ई इनवॉइस को लेकर या ई वे बिल को लेकर काफी सारी प्रॉब्लम आ रही थी। हालांकि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो रिकॉर्ड है वो हम प्रॉपर मेंटेन करते थे, हमारा बिल्कुल एचएसएन कोड बिल्कुल सही होता था, लेकिन उसके बाद भी ये जीएसटी रिपोर्ट हमारी प्रॉपर सही तरीके से प्रिपेयर नहीं होती थी। जीएसटी R1 या जीएसटी R3B को लेकर काफी सारी एरर आ रही थी, तो उसके वजह से अकाउंटेंट लोग काफी परेशान थे। वो 3.0 को छोड़ के वापस जो पुराना वर्जन था रिलीज 2.1 उसके अंदर वो अकाउंटिंग मेंटेन करके ज्यादा खुश थे क्योंकि वहां पर हमारी जो रिपोर्टिंग थी वो बिल्कुल प्रिपेयर सही तरीके से होती थी। लेकिन अब इस 3.0.1 का जो नया रिलीज उन्होंने लॉन्च किया है, इसके अंदर टैली कंपनी ने ये दावा किया है कि आपने जितनी भी प्रॉब्लम फेस करी थी 3.0 के रिलीज में, अब वो आपको आगे दिखते नहीं आएंगी। अब ऐसा मानना है टैली कंपनी का इस नए रिलीज के अंदर। तो क्या कुछ नया अपडेट है वो हम पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। तो आप वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर प्रेस कर लेना क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की अपडेट और नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो दोस्तों, अगर आपके पास टैली सॉफ्टवेयर का ओरिजिनल लाइसेंस वर्जन है तो आपके पास डेफिनेटली इस तरीके का एक ईमेल भी आ गया होगा और आपको यहाँ पर टैली सॉल्यूशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है tellysolution.com वहां पर आपको ये नया अपडेट का जो सेटअप है वो भी डाउनलोड के लिए तैयार है। लेकिन अब इसके अंदर क्या कुछ नया अपडेट है उस पर हम डिस्कस करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है ना। अब सबसे पहला जो इन्होंने मेन फोकस किया वो है ई इनवॉइसिंग, और सबसे ज्यादा दिक्कत ई इनवॉइसिंग के अंदर भी आ रही थी 3.0 के रिलीज के अंदर, क्योंकि अब जो इनवॉइसिंग के अंदर एरर आती थी, अब एरर के अंदर कई बार ऐसा होता था जब हम बुक्स को एंट्री के अंदर एंट्री कर रहे थे हमारी सेल की, तो वहां पर हमारे से कुछ ना कुछ एरर रह जाती थी या हमको पिन कोड गलत डालते थे या हमारी कोई ना कोई डाटा मिसमैच हो जाता था जिसकी वजह से एरर आ जाती थी, लेकिन उस एरर का हमें प्रॉपर सही तरीके से पता नहीं चलता था भी एरर आने का कारण क्या है। तो अब नए रिलीज के अंदर इनका मानना है भी अगर आप ई इनवॉइस बना रहे हो और उस ई इनवॉइस के अंदर अगर आपको कोई किसी भी टाइप की कोई एरर आती है तो वो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर यानी कि 3.0.1 का जो रिलीज है वो आपको पूरी डिटेल बताएगा भी आपने यहाँ पर कुछ ना कुछ जो मिस्टेक करी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे इन्होंने ई इनवॉइसिंग को सबसे पहले इन्होंने हाईलाइट किया है और यहाँ पर उन्होंने ये किया भी आपकी जो ई इनवॉइसिंग है जो फीचर्स कम इन दी फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स इन दी रिमार्कली इंप्रूव योर ई इनवॉइस एक्सपीरियंस, यानी कि इसके अंदर थोड़ा सा उन्होंने फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करी है। अब यहाँ पर ये कह रहा है भी यू कैन नाउ फाइंड आउट दी जनरेट इजीली देयर इशू मिसिंग डिटेल्स जेनेटिक ई इनवॉइस, यानी कि अब ये कह रहा है आप खुद यहाँ पर आप अपनी जो डिटेल है वो आप ढूंढ पाओगे जब आप ई इनवॉइस बना रहे हो और वहां पर कोई ना कोई आपका एरर आने का कोई इश्यू होता है तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर काफी इन्होंने दिया हुआ है अकॉर्डिंग यू कैन नाउ इजिली रिसोल्व द फॉलोइंग द इशू द फ्रॉम अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, यानी कि अगर आपके पास कुछ ना कुछ एरर आती है तो यहाँ पर मिसिंग और इनवैलिड स्टेट फॉर कंसाइनिंग शिप टू डिस्पैच फ्रॉम सबसे दिक्कत यहाँ पर आती थी, उसके बाद मिसमैच बिटवीन स्टेट एंड पिन कोड की दिक्कत आ सकती थी, मिसमैच बिटवीन एचएसएन एंड टाइप ऑफ सप्लाई, इनवॉइस नंबर स्टार्टिंग विद 0, तो यानी कि कुछ इस टाइप की अगर आपसे गलती थी तो पहले पता नहीं चलता था, अब आपको ये इस टाइप की गलतियां अगर होती है तो सॉफ्टवेयर आपको बताएगा। और उसके बाद में इन्होंने एक और यहाँ पर दिया हुआ है इनवॉइसिंग विद बिल्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी, क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ एंट्री करते हैं सेल की तो हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं, तो अब हमारी उसके अंदर जो एक्चुअल क्वांटिटी और जो हमारी बिल्ड की क्वांटिटी है वो भी हमारा यू के नाउ सिमिलरली हैंडल ई इनवॉइसिंग, यानी कि इस टाइप की अगर आपको अकाउंटिंग मेंटेन करते हो तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद में आपका जो इनवॉइस फॉर फॉरिजन पार्टी, इसके अंदर भी आप इजी तरीके से कुछ बना सकते हो, और उसके बाद में डिस्पैच फ्रॉम डिटेल इन इनवॉइस, यानी कि अब आपके डिस्पैच फ्रॉम, अब काफी बार दिक्कत ये आती थी डिस्पैच फ्रॉम डिटेल, नाउ डिस्पैच बेटर क्लियरिटी, और उसके बाद में
फाइल्स, उसके बाद में विद रिकॉर्डिंग इन वोज ट्रांजेक्शन, यानी कि डिस्पैच फॉर्म आ जाएगा, विप्रोड डिस्पोज कहाँ से हो रहे हैं और कहाँ आपका शिफ्ट हो रहे हैं, इस टाइप की एरर के अंदर वजह की वजह से हमारा इनवॉइस है जो प्रॉपर सही बनता नहीं था, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ स्टेट कोड या फिर पिन कोड की एरर की वजह से इनवॉइस रुक जाता था। और उसके बाद में एक ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर ये भी दिया है, ई वे बिल अलोंग विद इनवॉइस, यानी कि अब आप सेपरेट अलग अलग भी बना सकते हो और वन टाइम दोनों एक साथ भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, ई वे बिल और ई इनवॉइस को भी। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिखा है विद द जनरेशन ऑफ ई वे बिल अलोंग विद इनवॉइस इज नाउ, यानी कि आप ई वे बिल अकेला और इनवॉइस अकेला अकेला भी बना सकते हो और दोनों एक साथ इकट्ठे भी बना सकते हो। और यहाँ पर इन्होंने ई वे बिल फॉर क्रेडिट नोट्स और आ रहा है, इन्होंने क्रेडिट नोट्स डियर बी बिलो दी डियर सोल्ड लिमिट, अगर आपकी लिमिट के नीचे अगर आपको क्रेडिट नोट बना रहे हो तो वहां पर ये ई वे बिल भी आपको जनरेट करके दे देगा। और उसके बाद में पार्टी जीएसटी यूआई नंबर द सेम कंपनी जीएसटी यूआई नंबर, यहाँ पर इन्होंने कहा है भी योर पार्टी जीएसटी नंबर सेम योर कंपनी, अगर आपकी पार्टी का कोई जीएसटी नंबर और आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर सेम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बहुत एक दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर कंपनी का मानना है भी अच्छा पॉइंट है, लेकिन अच्छा पॉइंट नहीं है भी, गलती से अगर आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर एक कंपनी का एक हो सकता है, लेकिन ये कहता है आपकी कोई पार्टी है वहां पर आपने वो जीएसटी नंबर डाल रखा है जो आपकी कंपनी का है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे आपका जो डाटा भी बिल्कुल पोर्टल पर सही है जो ट्रांजेक्शन माना जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से तो। और उसके बाद में यू कैन दी अनसेंटेड ट्रांजेक्शन, यानी कि जिसकी वजह से हमारी कोई एरर आती है एक्सेप्टेड, और यहाँ पे दिए रिलेवेंट ट्रांजेक्शन पार्टी जीएसटी नंबर सेम एज ए कंपनी सेक्शन योर ट्रांजेक्शन विल बी रेडी फॉर अपलोड, यानी कि सेम डाटा है तो भी आपकी जो रिटर्न है वो अपलोड हो जाएगी। और उनका ये भी मानना है भी अगर आपके पास एचएसएन की डिटेल थी, सबसे पहले दिक्कत आती थी, अब ये कह रहा है भी अगर आपकी कंपनी की जो बिजनेस लेस देन 5 करोड़ टर्नओवर, यानी कि आप ऐसी कंपनी की अकाउंटिंग मेंटेन करते हो जहां पर उस कंपनी की जो टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो अभी तक हमें एचएसएन की डिटेल देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब आप अगर आप एचएसएन डिटेल अगर हम 3.0 तक देते थे या कम देते तो एरर आती थी, अब यहाँ पर अगर आप ब्लैंक भी है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, अनसेंटेड ट्रांजैक्शन देन बी इंक्लूडेड, यानी कि ये सब कुछ भी अब आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और उसके बाद में जेएसएन फ्रॉम जीएसटी 3B, तो यहाँ पर आपका जो 3B है जेएसएन फाइल है वो भी स्मूथ है, यहाँ पर अब आप तैयार कर सकते हो। तो ये टैली सॉफ्टवेयर का जो नया रिलीज है, इसमें कंपनी ने दावा तो किया है अभी अब आपकी जो अकाउंटिंग है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल रहने वाली है, लेकिन अब ये धरातल पर कितना सच होता है ये तो हम इस नए वर्जन को यूज करने के बाद ही पता चलेगा। और यहाँ पर ये कह रहे हैं इवन दी जीरो वैल्यू सेक्शन भी सेमलेडी एक्सपोर्टेड, यानी कि जीरो वैल्यू की अगर आपकी कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन है तो वो भी वहाँ पर 3B के अंदर आप रिपोर्ट के अंदर देखी जाएगी। और अभी तक जो सबसे बड़ी दिक्कत आती थी HSN को लेके, जहाँ पे HSN रिपोर्ट हम एक्सपोर्ट करते थे GST R1 को, तो HSN की वजह से एरर आ जाती थी, लेकिन अभी इनका मानना है भी अगर आपका HSN जो आपने डाल दिया उस HSN को भी हम एक्सेप्ट करवा लेंगे, तो ये कुछ जो अभी तक एरर आती थी दिक्कतें आती थी अब उसको थोड़ा सा सुधारने की इन्होंने कोशिश करी है 3.0.1 के रिलीज में। लेकिन अभी रियलिटी क्या है वो तो अकाउंटेंट लोग जब इसको यूज करेंगे, जब इनका रिव्यू आएगा, तब ये सच्चाई सामने आएगी।